आप देख रहे हैं P20 न्यूज। जनपद सहारनपुर के नगर निगम वार्ड 9 की महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर पार्षद के कार्यालय पर पहुंची। अब खबर विस्तार से। नगर निगम वार्ड 9 की महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर वार्ड 9 के पार्षद मोहर सिंह के कार्यालय पर पहुंची। महिलाओं ने बताया कि हमारी कॉलोनी में पानी की निकासी की समस्या बनी हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं और पीने के पानी की समस्या काफ़ी समय से चली आ रही है। कुछ महिलाओं ने राशन कार्ड न होने की बात भी पार्षद को बताई। पार्षद ने सभी समस्याओं को लेकर गंभीरता से लेते हुए उनका प्रस्ताव नगर आयुक्त के पास रखकर नगर निगम के अधिकारियों से जांच कर जल्द ही समस्याओं को खत्म करने का आश्वासन दिया है। साथ ही पार्षद ने यह भी कहा कि आप सब वार्डवासी मेरे परिवार का हिस्सा हो और आपकी समस्याओं का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। क्या नाम है आपका? राकेश। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मायापुरी के रहने वाले हैं। वार्ड नंबर 9। कौन है आपके यहाँ के पार्षद? पार्षद मोहन सिंह जी। क्या समस्या है आपकी, बताएं। हमें समस्या है लाइट, पानी और सड़क। क्या समस्या है इसमें? सड़क, हमारी सड़क नहीं बनी हुई है बिल्कुल भी। हमें सड़क चाहिए और पानी लाइट चाहिए। हमें टंकी भी नहीं है वहाँ पर, पाइप लाइन डले हुए हैं, कनेक्शन नहीं है, आगे तक नहीं पहुँचा रहे। ये कब की समस्या है, कब से चली आ रही है ये? हम 2 साल हो गए वहाँ पे आए हुए, मकान काफ़ी टाइम से बने हुए हैं, 5 साल से समस्या है वहाँ पर। मकान काफ़ी है मायापुरी में, हम 2 साल से वहाँ पे बना के रह रहे हैं। लेकिन पिछली योजनाओं में भी यही पार्षद थे, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इनकी कौन दी? 3 पार्षद जी को हमने अप्लीकेशन भी दे रखी, आप अप्लीकेशन देख सकते हो। हमने नगर निगम में भी अप्लीकेशन पहुँचा रखी और हमारे हाथ में भी है इस वक्त, जो कि हमारी समस्या नहीं हुई। हम फिर दोबारा से जब ये जीतते, हम जब भी आए, अब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे कितने आदमी प्रभावित हैं इस क्षेत्र से, जो यहाँ के ये मायापुरी में, मायापुरी कॉलोनी से है। हम थोड़ा सा मायापुरी आगे जाके सिद्धार्थ नगर है। कितने आदमी हो? कम से कम वहाँ पे 200-250 आदमी है जो परेशान है पानी से। पानी सड़कों में गड्ढे भर रहे हैं पानी, और बहुत ज़्यादा समस्या है पानी से। इतने परेशान हैं कि घर में, मतलब गरीब आदमी, मोदी प्रधानमंत्री मोदी मकान बना के रह रहे हैं और वहाँ पे टंकी का पाइप सड़क पे पड़ा है, जो पाइप लाइन घर तक आने चाहिए, गरीब आदमी को पानी मिलना चाहिए, जो कि नल का चला रहा है इस वक्त। आप मौके पे दिखा सकते हैं कहाँ पर पाइप लाइन टूटी हुई है? तो पिछली जो 5 साल पहले भी ये पार्षद रहे हैं, हम सब आपको दिखाएंगे घर घर। तो अगर आपके समस्या का समाधान यहाँ से नहीं, तो आपने मेयर साहब को शिकायत करी? पूर्व में जो मेयर थे उनसे शिकायत करी है या शिकायत करी है? हमने पिछले बार नगर निगम में गए थे, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई थी, और अब फिर पार्षद पे एक बार आए हैं। फिर देखते हैं हम आगे जाएंगे, आगे कोशिश है हमारी, हम सब लेडीज इकट्ठी होकर आगे जाएंगे, क्योंकि हम परेशान हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाने में साइकिलों पे, स्कूटरों पे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, गाड़ियाँ रोज ठीक करानी पड़ती है, बहुत परेशानी है हम लोगों को। क्या नाम है आपका? आप कौन से वार्ड से हो? क्या समस्या आपकी, बताएं आप। यही है कि फतेहपुर का सारा पानी हमारी कॉलोनी की तरफ आ रहा है, सारा रास्ता टूटा पड़ा हुआ है। 2-3 बार मरम्मत भी डलवा दिया, अपने पैसे इकट्ठे करके पूरी कॉलोनी से। कितने पैसे इकट्ठे करके डलवाए आपने? घर घर से 800 रुपए भी हुए इकट्ठे। आपने कितने साल से रह रहे हैं आप वहाँ पर? 4-5 साल हो गए। आपने पहले जो योजना में भी पार्षद रहे उनसे शिकायत करी थी? यही में गए थे, यहाँ भी आए थे। मेयर साहब से शिकायत करी आपने इनकी? निगम में गए थे। अच्छा, अब करी थी इनसे भी शिकायत करी थी हमने पिछले मेयर से शिकायत करी थी आपने, जो नगर निगम नगर आयुक्त थे उनसे शिकायत करी आपने? कई बार कर दी। अच्छा, यहाँ कितनी बार आए हो आप इनकी समस्या के लिए? पहली बार आए, और ये रास्ते में मिले, हमने सारी शिकायत करी। इससे पहले भी पार्षद रहे, आपने आए थे इनके पास शिकायत के लिए? इससे पहले आए और क्या समस्या है वहाँ पे पानी के लिए? पानी की, सड़क की, पानी हमारी कॉलोनी में आ रहा है, सड़क चाहिए हमें और नालियाँ चाहिए। राशन कार्ड वगैरह की समस्या, राशन कार्ड वगैरह बना हुआ है? क्या नाम है आपका? कौन से वार्ड के रहने वाले हो? क्या समस्या है आपकी? पानी की समस्या है जी। क्या पानी में क्या समस्या आ रही है? पानी की समस्या है जी, जो रोड मेन रोड है हमारे, उसमें पानी चल रहा है जी, टूटी पड़ी रोड बिल्कुल, और गर्म बढ़ रहा पानी। पानी की निकासी की समस्या है आपकी? हाँ जी, निकासी की समस्या है। गरीब आदमी उन्हें बता दे, एक बार तो प्लाट ले जाते तो दोबारा कहाँ देना, गर्म पानी बढ़ रहा है, नाली बननी चाहिए। पीने के पानी की व्यवस्था क्या है? मायापुरी में तो है जी पीने का पानी, लेकिन आगे सिद्धार्थ नगर के बारे में हम रहते हैं मायापुरी में। आप लोगों के वार्ड 9 की समस्याओं का समाधान नहीं होता पार्षद के द्वारा, तो अगला जो आपका कदम होगा क्या होगा? हम निगम जाएंगे। क्या नाम आपको? मोहर सिंह। आप कौन से वार्ड के पार्षद? वार्ड नंबर 9 के पार्षद।
जी, वार्ड नंबर 9 के जो हैं कुछ आदमी कॉलोनियों में समस्याएं हैं पानी की निकासी की, पानी की निकासी की है, पीए पानी की समस्या है। तो उसके उसके जो संबंध में है जानकारी मिली थी, कुछ लोगों की समस्या है, कार्यालय पे आपके आए थे, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? वो समस्या उनकी नहीं, हमारी समस्या है। वो हमारे परिवार के लोग हैं, उन्होंने बड़ा सम्मान दिया, सम्मान से चुनाव जितवाया, तो उनकी हर समस्या मेरी समस्या है और जल्दी इसका निस्तारण कराऊंगे। आदरणीय महापौर जी से और नगरायक से मिलकर समस्या में का बहुत जल्दी समाधान होगा और मैं सोमेन के साथ लगूंगा, खड़ा रहूंगा इनके साथ, जब तक इनका कोई कार्य नहीं होना तब तक इनके साथ खड़ा रहूंगा। कुछ लोगों की समस्या राशन कार्ड की भी है, राशन कार्ड वगैरह नहीं बने हुए हैं। देखो राशन कार्ड भी बन रहे हैं, जितने भी आधार कार्ड है उनको ऑनलाइन करा के वो हमारे पास लगे, मोर लगा कर दे देते हैं, तुरंत उनका काम हो जाता है। वही अगर रह जाता है तो उसको भी करा देते। तो ये जल्द ही काम निपटा दिया जाएगा, उनकी समस्या को समाधान किया जाएगा। ये जल्दी, अभी हमारी बोर्ड की बैठक नहीं हुई और कार्य हमारे शुरू हो चुके हैं, जल्दी ही सबका कार्यों का निस्तारण होगा।